हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ नौवीं क्लास के मैथ प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल में कराऊंगा। जहाँ दोस्तों चौथा सवाल में कराने जा रहा हूँ, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया दोस्तों कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि आपको दो चीज़ बताना है, सत्य है या असत्य, और आपको इसका रीज़न यानी कि कारण भी बता देना है। तो चलिए सबसे पहला सवाल इसमें क्या कहा गया है कि पहले प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा सत्य, ठीक है ना? क्या हुआ दोस्तों? सत्य। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सत्य क्यों हुआ? अगर ये समझ में आ गया तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। चलिए मैं आपको बता देना चाहूँ दोस्तों कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या की अगर बात करूँ तो पूर्ण संख्या आपको पता है कि ये 0 से शुरू होती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए जाती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। तो ठीक है, तो अब मुझे बताइए दोस्तों कि प्रत्येक प्राकृतिक जो संख्या दोस्तों वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या जो दोस्तों वो पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर ही आती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, और प्राकृतिक संख्या दोस्तों वो 1 से शुरू होते, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ सकती है। और इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 जितने भी होगा दोस्तों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, इसलिए ये जवाब क्या दोस्तों? सत्य है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो इस वीडियो में यानी कि मेरे चैनल पर प्राकृतिक संख्या के बारे में बता रखा है, पूर्ण संख्या के बारे में बता रखा है दोस्तों, और पूर्णांक संख्या के बारे में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तब आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से और बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया दोस्तों? आगे इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक क्या दोस्तों? एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है दोस्तों वो क्या दोस्तों, आप बताइए मुझे, वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा असत्य, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा? असत्य। अब इसका भी मैं कारण बताता हूँ, ठीक है, इसका भी मैं कारण बताता हूँ कि आखिरकार ये असत्य क्यों हुआ। चलिए देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मैंने बताया कि ये 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से ये पूर्ण संख्या शुरू होती है, और ये भी बिल्कुल अनंत तक जाती है, इसका कोई लास्ट अंत पॉइंट नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती है दोस्तों, ठीक है, नहीं, पूर्णांक संख्या वो होती है दोस्तों जो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो माइनस का 1 भी होता है, माइनस का 2 भी होता है, प्लस का 3 भी होता है, 0 भी होता है, 4 भी होता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो एक बात मुझे बताइए दोस्तों, प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या, ये जो पूर्णांक संख्या दोस्तों, क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, पूर्णांक जो संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक में सिर्फ क्या होती है? प्लस के नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं सभी के सभी नंबर, लेकिन पूर्णांक संख्या इसमें ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो संख्या दोस्तों, ये जो नंबर है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये 0 से भी शुरू नहीं हो सकती है, और इसमें माइनस भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक पूर्णांक जो दोस्तों वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? असत्य लिखा। कारण सहित मैंने यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं और बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए जल्दी से, और आगे सामने बोर्ड की तरफ देखेंगे। अगले सवाल में पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, ठीक है, क्या दोस्तों? एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे याद रहे कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक जो दोस्तों परिमेय जो संख्या, इन्होंने क्या पूछा कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि ये जो नंबर दोस्तों, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्या हमेशा 0 से 1 से 2 से 3 से शुरू होती है, ठीक है, और ये अनंत तक जाती है। तो जब पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 से शुरू होती है, जो बट्टे में नहीं होती है, तो आप यही कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या दोस्तों, जितने भी आगे जो नंबर आएंगे बट्टे में, क्या वो पूर्ण संख्या होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये बट्टे से शुरू होती है और वो 0 से शुरू होती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या दोस्तों वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसका मतलब हम इसका जवाब लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा?
असत्य, ठीक है, ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी होगा असत्य, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर आपको 9th क्लास का पूरा कोर्स कराया जाएगा, मैथ की शॉर्ट ट्रिक भी आपको इस वीडियो में इस चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप जाके चैनल पर सारी वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।